मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम बिहारी जी का अध्ययन आरंभ करते हैं। बिहारी जी की यश का आधार उनकी एकमात्र पुस्तक जो हमें प्राप्त होती है वो बिहारी सतसई है, जिसमें उन्होंने 713 दोहे लिखे हैं और उनके दोहों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे बेंधे सकल शरीर। अर्थात ये दो पंक्ति वाले दोहे अपने आप में एक अद्भुत भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, विषय सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य समेटे हुए हैं। इन दोहों के अध्ययन से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बिहारी जी एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, वो अनेक विधाओं का और अनेक विषयों का अत्यंत प्रबुद्धता से, अत्यंत बारीकी से ज्ञान रखते थे। इसलिए उनके दोहों में हमें भक्ति, नीति, नायिका भेद निरूपण, श्रृंगार के संयोग तथा वियोग पक्ष, प्रेम सौंदर्य, विज्ञान, वास्तुशास्त्र, नक्षत्र ज्ञान, रंग योजना आदि न जाने कौन कौन से पहलू हैं जो हम इन दोहों में पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन को एक अलग दिशा देते हैं। यहाँ कवि ने प्रभु के प्रति उल्हाना भी दिया है, अपना प्रेम भी जताया है और उन्होंने यह भी बताया है कि प्रभु मुझ जैसे पापी से अब आपका पाला पड़ा है, जब मुझे मुक्त करके दिखाओगे तो जानूंगा। यानी कहीं कहीं वह उन्हें चुनौती देते हुए भी दिखाई देते हैं। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस संसार के गुणों को देखता नहीं है, समझता नहीं है, महसूस नहीं करता तो इसका अभिप्राय यह कतई नहीं है कि संसार में गुण नहीं है। यह संसार अनेक गुणों से भरा हुआ है, अनेक योग्यताओं से भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य उन गुणों को केवल इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि वह उन्हें समझना चाहता नहीं है अथवा उसे समझ में आते नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम इन आँखों से पूरे विश्व को देखते हैं लेकिन एक आँख दूसरी आँख को नहीं देख सकती। नायिका भेद में उन्होंने शुक्ल अभिसारिका, कृष्ण अभिसारिका के साथ साथ नायिका के हर छोटे से छोटे तत्व को उन्होंने निरूपित किया है। बच्चों आपको जानकारी होगी कि बिहारी जी महाराज जय सिंह के दरबार में रहने वाले एक कवि मात्र नहीं थे, उन्होंने एक विश्वसनीय सलाहकार, एक उत्तम पथ प्रदर्शक की भूमिका भी इन दोहों के माध्यम से आप पाएंगे कि वो निभा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे बिहारी जी के ये दोहे वास्तव में अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं। हम उनमें सृष्टि का लगभग या अधिकांश प्रकार का प्रयोग भाव सौंदर्य, ज्ञान विज्ञान आदि यहाँ देखेंगे, समझेंगे और हमें महसूस होगा कि वह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी लेखनी विविध विषयों पर चलाई और लगभग मानव जीवन के अधिकांश पहलुओं को उकेर कर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन किया
उनके जीवन को आलोकित किया। आइए देखते हैं इन दोहों में कविवर क्या समझाना चाहते हैं। दोहा संख्या एक, मेरी भवबाधा हरऊ राधा नागरी सोई जातन की झाई परई श्याम हरित दुति होई। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीतिकालीन कवि बिहारी जी द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। संदर्भ, यहाँ कविवर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण होता है किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की वंदना, हम मंगलाचरण कहते हैं। साहित्य में इसे मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कविवर राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, आइए आपके वश में तो या आपके प्रभाव में तो इस संसार को चलाने वाले प्रभु श्री कृष्ण भी हैं, तो आपकी शक्ति असीम है, आप में अथाह योग्यता है और उस योग्यता की मुझ पर थोड़ी सी कृपा की बरसात कर दीजिए ताकि मैं अपने कार्य में अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकूं। व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। मेरी कवि अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। भाव माने संसार, बाधा रुकावट दिक्कतें मुसीबतें विघ्न बाधाएं, हरव हरण कर लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। राधा राधा जी, नागरी स्त्री भी और चतुर भी, चतुराई के लिए सोई जो हैं, जा जिस तन शरीर की झाई परछाई छाया परई पड़ने पर श्यामो श्री कृष्ण हरित हरे भरे दुति चमक वाले होई हो जाते हैं। देखिए जब हम इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो यहाँ इन पंक्तियों से ही हमें ज्ञान हो जाएगा कि बिहारी जी अनेक प्रकार के विषयों के जानकार हैं। जैसा कि हम संदर्भ में बात कर चुके हैं, यह दोहा मंगलाचरण के रूप में देखा जाता है। मंगलाचरण अर्थ आप लोगों के सामने स्पष्ट है कि कार्य की संपूर्णता के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जाना। तो सर्वप्रथम जो इसका अर्थ निकलता है वो यह निकलता है, कवि बिहारी जी राधा रानी के समक्ष अपने कार्य की संपन्नता के लिए, पूर्णता के लिए, समाज के लिए, उसे कल्याणकारी बनाने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरी बहु बाधावरों कि हे राधा रानी, मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को, मुसीबतों को, रुकावटों को हर लीजिए, समाप्त कर दीजिए। राधा नागरी सोए कि जो राधा नाम की चतुर स्त्री है, मैं उसी से प्रार्थना कर रहा हूँ। कवि ने राधा को चतुर क्यों कहा है, देखिए, वह जानती है जा जिस तन शरीर की झाई परे, कि जिस शरीर की परछाई मिलने मात्र से, छाया मिलने मात्र से सांवले सलोने श्री कृष्ण भी हरे भरे अर्थात प्रसन्न दिखाई देते हैं। हरित हरा रंग भी होता है, हरा रंग समृद्धि का, खुशहाली का, आनंद का प्रतीक होता है। तो इसलिए प्रथम अर्थ के संदर्भ में हम लेते हैं, बिहारी जी राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं उस राधा से प्रार्थना कर रहा हूँ जिसके शरीर की छाया मात्र से श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो जाता है, तो वह संसार में सबको खुशहाली बांट सकती है। इसलिए मेरी समस्याओं का, मुसीबतों का, विघ्न बाधाओं का निवारण करें,
हरण करे, समाप्त करे। अगर हम इसकी दूसरी पंक्ति को भिन्न अर्थ में लें तो आप बच्चों जानेंगे कि यह रंग योजना का भी कवि ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, क्योंकि हम जानते हैं पीला और नीला रंग मिलकर हरा रंग बनाता है। इसलिए राधा रानी का सुनहरा पीला गौर वर्णीय मुख जब श्री कृष्ण के सांवले नीलेपन लिए हुए शरीर पर ढलता है तो वहाँ हरा भरा या हरियाली दिखाई पड़ती है। यानी बच्चों, इस पद में कवि दूसरे अर्थों में यह भी कह रहे हैं कि हे राधा रानी, आप अत्यंत चतुर हैं, मेरी सांसारिक विघ्न बाधाओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके गौर वर्णीय चेहरे की कृपा मात्र से इस संसार में जहाँ जहाँ कालिमा है, नीलिमा है, वहाँ वहाँ हरियाली आ सकती है। कहने का भाव यह है कि यहाँ कवि ने मनोवैज्ञानिक, भक्ति पर्क और रंग योजना के अनुसार इस एक पद में तीन तीन विकल्पों का प्रयोग कर दिया है। सर्वप्रथम इस दोहे का अर्थ है, भक्ति पर्क अर्थ लेते हैं। बिहारी जी अपने इस साहित्यिक सफर में सफलता के लिए और जीवन में सफलता के लिए राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे राधा रानी, आप मेरे जीवन की मुसीबतों का हरण कर लीजिए, उन्हें समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आप अत्यंत चतुर हैं और जब आपके शरीर की छाया श्री कृष्ण पर पड़ती है तो वो भी खुश हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। दूसरे संदर्भों में हम इसका अर्थ मनोवैज्ञानिक आधार पर निकालते हैं। यहाँ कवि फिर राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं उन राधा रानी से अपने जीवन में खुशहाली लाने की प्रार्थना करता हूँ जो सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के मन को भी प्रसन्नता से भर देती है। अर्थात राधा रानी से मिलने के बाद श्री कृष्ण का मन प्रसन्नता से भर जाता है और जब वो प्रसन्न होंगे तो सारे संसार में वही बांटता है मनुष्य जो उसके पास होता है। तो जब प्रभु प्रसन्नता से भरे हुए होंगे तो स्वाभाविक है वो सारे संसार को प्रसन्नता देंगे। तीसरे संदर्भ रंग योजना के अंतर्गत हम लेते हैं कि पीला रंग और नीला रंग जब मिलता है तो हरा रंग मिलता है या हरा रंग बनता है। राधा रानी का सुनहरा गौर वर्णीय चेहरा जब श्री कृष्ण के नीलेपन लिए हुए काले चेहरे पर अपनी परछाई या अपनी छाया डालता है तो वहाँ हरा रंग दिखाई देता है और हरा रंग खुशहाली का, आनंद का प्रतीक होता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि राधा रानी उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत का हरण कर ले, क्योंकि वो कवि की दृष्टि में श्री कृष्ण को भी प्रसन्नता देने वाली हैं। अतः जो सर्वशक्तिमान प्रभु को प्रसन्न कर सकता है वो समूची सृष्टि को प्रसन्नता से भर सकता है। विशेष, यह दोहा मंगला आचरण के रूप में लिखा गया है, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, दोहा छंद है, गेय शैली है, संगीतात्मकता बनी हुई है। अब अलंकार देखें बच्चों, यहाँ एक रूपक अलंकार है, भाव बाधा में पद्मैत्री अलंकार है, हरित दूती में भी पद्मैत्री अलंकार है, यानी इस पद में अनुप्रास है, पद्मैत्री और रूपक शामों के लिए रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या दो, कौन भांति रहिए विरदु अब देखवी मुरारी, बीधे मोसो आई के गीधे गीधई तारी। प्रसंग पूर्ववत,
संदर्भ, यहाँ कविवर यानी बिहारी जी परमात्मा को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें ललकार रहे हैं कि प्रभु आपने गीत को तार दिया। बच्चों ध्यान होगा कि रीतिकालीन कवि प्राय कृष्ण भक्त हुए हैं, यहाँ गीत का प्रयोग हुआ है तो यहाँ राम की ओर संकेत है, क्योंकि राम ने जटायु को मोक्ष दिया था, मुक्ति दी थी। उसी का उदाहरण देकर प्रभु को चुनौती देते हुए कविवर लिखते हैं कि व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ कौन किस प्रकार से भांति तरीके से रहिए सुरक्षित रहेगा, वृदु यश प्रसिद्धि बढ़ाई, अब इसके बाद देख भी मुझे देखना है मुरारी, हे श्री कृष्ण बीधे फंस गए हो उलझ गए हो, मोसो मुझसे आई के आकर के गीधे गुणगान सुनने की आदत पड़ जाना, गीधई गीद यानी जटायु तारी मोक्ष देकर मुक्ति देकर। तो यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि हे कृष्ण मुरारी, अब देखूंगा आपका यश कैसे सुरक्षित रहता है, इस बार आपका पाला किसी पक्षी से नहीं, सामान्य गीद से नहीं, बल्कि एक महापापी से पड़ा है, एक महादुष्ट से पड़ा है, एक महाअधम से महानीच से पड़ा है, जिसे अगर आपने मुक्ति दे दी तो ही आपका यश सुरक्षित रहेगा। कौन भांति रही विरदु, अब देखी बे मुरारी कि हे श्री कृष्ण अब आपका यश कैसे सुरक्षित रहने वाला है या कैसे रहेगा, मुझे यही देखना है। बीधे मोसो आई के कि अब आप मुझ जैसे अधम नीच पापी दुष्ट से आकर उलझ गए हो, अर्थात आप बुरी तरह फंस गए हो, क्योंकि अभी तक आपने एक निष्कलंक निर्दोष गीत को मोक्ष देकर बड़ा यश आपने सुना है। आप यदि मेरा उद्धार करो, मुझे मुक्ति दो, तो मैं जानूं कि सचमुच आप कल्याण करने की सामर्थ्य रखते हो। बच्चों कवि के भाव समझने की कोशिश कीजिए, कवि चुनौती देकर कह रहा है या तो उनका यश सुरक्षित नहीं रहेगा या मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि यदि प्रभु ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली तो उन्हें संसार में फिर कोई कष्ट नहीं हो सकता और उनका परलोक भी संवर जाएगा। विशेष, यहाँ कवि ने जटायु वध के प्रसंग का उल्लेख किया है, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता है। यहाँ पर जटायु प्रसंग को याद दिलाना स्मरण अलंकार, कौन प्रश्न अलंकार, मुरारी संबोधन अलंकार और काव्य लिंग अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, यानी इस पद में अनुप्रास प्रश्न संबोधन गीधे गीदही भिन्न अर्थ के कारण यमक आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। दोहा संख्या 3, जगतु जनायो जिही सकल सोहरि जान्यो नाही, ज्यो आखिन सब देखिए आखिन देखी जाही। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कवि उन मनुष्यों की ओर संकेत कर रहे हैं जो इस संसार में ईश्वर की कृपा से आए हैं, लेकिन वो ईश्वर को छोड़कर बाकी सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यानी इस दोहे के माध्यम से कवि के गहन चिंतन पर प्रकाश पड़ता है। वो क्या लिख रहे हैं, व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, जगतु संसार जनायो जन्म दिया जिही जिसने सकलू सारा, सो उस हरि प्रभु जान्यो जान पहचान नाही नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार
ज्यों जैसे आँख नू आँखें सब सारे संसार को देखिए देख लेती हैं, आँखी अपनी ही आँख को ना नहीं देखी देख सकती हैं या जाई देखी जा सकती हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि ईश्वर ने यह सारा संसार बनाया है। संसार में जो मनुष्य उत्पन्न किए हैं उन मनुष्यों को इस संसार को समझने की और अपने हित अहित की भी पहचान करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। मगर मनुष्य उस परमपिता परमात्मा को समझना नहीं चाहता, उस पर कभी विचार नहीं करता जिसने यह सारा संसार और उसके जीवन के साथ साथ जीवन को समझने की समझ भी दी है। उदाहरण देते हुए कवि समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपनी आँखों से इस पूरे विश्व को देख लेता है, समूची सृष्टि को देख लेता है, मगर अपनी एक आँख से स्वयं दूसरी आँख को नहीं देख सकता है, तो इसी प्रकार मानव उन चीजों को देखना सुनना समझना चाहता है जिन्हें वो अपनी आँखों से देख सकता है, अपने विवेक से जिनका मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन ईश्वर के विषय में वो प्राय निर्लेप रहता है। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि सच्चा ज्ञानी वो है जो संसार के ज्ञान के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता का भी ज्ञान रखता हो और उसके प्रति हमेशा जिज्ञासु बना रहे। विशेष यहाँ कवि ने प्रभु के प्रति मनुष्य को जिज्ञासु बनने की और उस स्वरूप को जानने की प्रेरणा दी है जो सर्वत्र कल्याणमय रूप में विराजित है। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग है, भक्ति रस प्रसाद गुण है, दोहा छंद गेय शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। इस पद में अनुप्रास, उदाहरण, अलंकार का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये तीनों दोहे अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, अगली कक्षा में हमारी फिर मुलाकात होगी। आपको इन्हें पढ़कर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।